Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज है 30 जून, और 30 जून का मतलब है कि अगले दिन स्कूल जाना है। आज है 30 जून और कल है 1 जुलाई, और कल हमें जाना है स्कूल, साथ ही साथ कल मम्मी का बर्थडे भी है। तो अभी हम मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए स्टेशनरी की। लक्की ने अपना बैग फाड़ लिया है, किताबें ठूस ठूस के पता नहीं कैसे पढ़ता तो है नहीं। तो फटाफट से कंघी करते हैं, कपड़े पहन लिए मैंने, यह है लक्की की टी शर्ट, और कंघी करके फटाफट से निकलते हैं मार्केट के लिए बैग्स वगैरह लेने के लिए। एक ही लेना मेरा, तो मैं चला लूँगी, मैं तो अभी कितने महीने की रहेंगे 12, थोड़ा सा फटाफट मम्मी कह रही सिल लेगी, तो मेरे को बैग की ज़रूरत नहीं है, मैं खर्चा कराऊँगी मम्मी का टीचर्स डे पे। ठीक है ठीक है, तो अभी गुत गुनते हैं और चलते हैं। Two thousand years later. कर रही हूँ बंद एसी, मैं नहीं बैठ सकती कल एसी में। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करके, जूड़ा मैंने लपेट लिया है, बहुत गर्मी लग रही है कड़ाके की। नेल्स मेरे लंबे थे और कल स्कूल जाना है, तो स्कूल में तो ऐसे अलाउड नहीं है, तो मैं इसको ट्रिम कर रही थी अपने नेल्स को। और उसके बाद हम बैग पैक करते हैं, बुक्स मतलब स्टेशनरी वगैरह मैनेज करते हैं, बिल्कुल अपनी ड्रेस तैयार करके रखते हैं क्योंकि कल है स्कूल। रोटी पानी हमने खा भी लिया है, ड्रेस भी मैंने निकाल ली है, और तो अभी टाइम हो गया 12:45, मैं फटाफट से पेस्ट्रीज लेके आती हूँ और फिर हम मीठा करते हैं। कल हम क्या करेंगे, छोटी सी पार्टी, क्योंकि कल मम्मी का बर्थडे है आने वाला है। अभी मम्मी उस दूसरे रूम में है, और मैं फटाफट से पेस्ट्रीज पे कैंडल लगा के लेके आती हूँ, फिर सेलिब्रेट करते छोटा सा। सो गाइस पेस्ट्रीज तैयार है, मोमबत्तियाँ मैंने लगा ली, 4 मोमबत्ती। क्यों लगाई 4 मोमबत्ती? इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू नो यू नो। सो लेट्स गो, टाइम हो गया 56, 4 मिनट पड़े हैं, जाके फोटो फोटो खींचते हैं और फिर करते हैं। कर लिया थोड़ी सी सेलिब्रेशन, बाकी की जो सेलिब्रेशन होगी वो हम कल करेंगे, मतलब हम कल करेंगे, आप लोग आगे देखो। अभी मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ काम पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि कल नोटबुक चेक करनी है, कल स्कूल जाना है, इसलिए मैं अभी बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ। और काम ख़त्म करके ड्रेस प्रेस करके रखते हैं, जो भी मतलब सामान अरेंज करना है वो करके रखते हैं, पहले अपना काम ख़त्म करते हैं। 2000 years later. गाइस स्यापा मुक गया, अब हम करते हैं अपने ड्रेस को प्रेस और सोने चलते हैं। 1 बज गया, फटाफट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं 5:30 बजे तक। स्कूल जाने से पहले मैंने अपनी ड्रेस रेडी कर लिया, सॉक्स रेडी, शूज़ रेडी और बैग रेडी, बैग के अंदर किताबें रेडी, तो अब मैं चैन से सो सकती हूँ, अब सुबह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जा रही हूँ सोने, मैं मिलूँगी आपको अब कल सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जो सुबह हो गई है, मेरा मुँह बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ स्कूल के लिए और फटाफट से स्कूल से होके आती हूँ। 6 hours later. हेलो एवरीवन, सो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, बहुत बढ़िया दिन निकला स्कूल का। वैसे कल मैं जो दिखा रहा था कि बारिश होगी तो शायद छुट्टी हो जाएगी, पर बारिश नहीं हुई, बिल्कुल आसमान साफ था। और स्कूल से मैं आ चुकी हूँ और शाम हो गई है, फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं फतेहनगर गुरुद्वारे। सो गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मम्मी भी रेडी हो रही है, लक्की भी अभी रेडी हो रहा है, और लक्की बनवा रहा है मम्मी से पटका। मन तो मेरा कि मैं बाल खुले करके चले जाऊँ, पर नहीं, मैं जूड़ा लपेट के ही जाऊँगी, क्योंकि गर्मी से बाल वो जाते हैं,
गाइस हो गए सारे रेडी, तो अब हम निकल रहे हैं, फटाफट से लेते हैं रिक्शा और चलते हैं गुरुद्वारे। Three hours later. Guys, अब हम घर आ चुके हैं। ऐसी थकान हुई है ना, ऐसे गोटे कड़ 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 कर रहे हैं मेरे, तो मैं थक चुकी हूँ। 11:30 बज गए, अब मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि कल दोबारा से स्कूल जाना। अब तो यही है, ओह माय गॉड, मैं नहीं आ जा सकती, स्कूल जाना है। तो व्लॉग को एंड करते हैं, थक चुकी हूँ मैं, वो दोनों भी सो गए हैं। तो ब्लॉग को एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी अब आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।